मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राष्ट्रपति भवन में कई जो राष्ट्रीय समारोह है, राष्ट्रीय उपाधियां है, वो दी गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय कई परिस्थितियों में राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित लोगों तक पहुंचा है और विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचा। उसी की एक पुनरावृत्ति कल थी जब भारत रत्न पुरस्कार हमारे श्रद्धे, तो उस वक्त आडवाणी जी के बगल में मोदी जी बैठे, तो कोई अस्वाभाविक लगने वाला बात नहीं। लेकिन जब वो सम्मान भारत रत्न का उनको दिया जा रहा था, तो हमारी माननीय संसद के दलित है तो की भूमि पूजन में तो लेके जाएगी नहीं। उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। अब दलित और आदिवासी का इज्जत बनती कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का तो इज्जत, ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। देखिए, आदिवासियों को 75 सालों में अपमान तो वो लोग किए थे, हमने तो सम्मान आदिवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बीजेपी ने किया है। 75 सालों में इन लोगों की डिक्शनरी में कभी आदिवासी समाज नहीं रहे थे, कभी उनके श्रेणी में या कोई ऐसा आदिवासी समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको देश का राष्ट्रपति पद जैसा भी राष्ट्रपति बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भगवान बिरसा मुंडा सहित जितने आदिवासी महापुरुष जो 75 सालों में इतिहास में कहीं ना कहीं गौण थे, उनके शौर्य गाथा को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बीजेपी ने करने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। 75 सालों में पहली बार 8 केंद्रीय मंत्री आदिवासी समाज के, वो बीजेपी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो 8 आदिवासी मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप उसके बाद देखिएगा आदिवासी समाज के लिए पीएम जनमन योजना कार्यक्रम के माध्यम से इस 75 सालों में वो पिछड़े हुए समाज कहीं ना कहीं जंगल में, झाड़ में, पहाड़ में, पर्वत में रहते थे, उनके लिए 25,000 करोड़ योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की धरती खूंटी से उनको सौगात देने का काम किया था। ये लोग कभी आदिवासी को ना देश का राष्ट्रपति पद देना चाहते थे, ना किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद देना चाहते थे, और ये लोग आदिवासी के बारे में घड़ियालू आंसू बहाएंगे जो खुद बोलते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी जी भी बोलते हैं कि ये राष्ट्रपत्नी है, उस समय आदिवासी समाज का अपमान नहीं होता है, देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं होता है। जिस समय यही लोग बोलते थे कि ये शैतानी शक्ति का प्रतीक होता है, वो आदिवासी समाज का वो सम्मान है क्या? ये सब कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी व्यक्ति लोग हैं, और आज जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज को देश के उच्च पद पर बैठाया है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको बताना चाहिए कि आदिवासी का सम्मान 75 सालों में किसने किया है। ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक जनजाति समाज को और जो समाज प्रोटोकॉल है उसका कितना अनुपालन करती है। ये इन लोगों ने चूंकि बराबर तोड़ा है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद को किस प्रकार से इन लोगों ने पॉकेट में रखा था, किस प्रकार से प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े रहते थे, ये सब लोग देखा है। इसलिए ये एक तस्वीर को मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी चाहती है। किसने कहा था राष्ट्रपति के शब्द पर अपमानजनक टिप्पणी किसने की थी? आज बहुत दर्द हो रहा है, किसने टिप्पणी की थी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी ऐसे शब्द किस प्रयोग किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, उन्हीं के सांसद ने किया था। तो इस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले लोग आज बड़ी उनको ये हो रहा है, बड़ी प्रेम उमड़ रहा है कहीं से। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कोई उनके नेता जैसे नहीं हैं, वो विश्व प्रसिद्ध नेता हैं, उनको शिष्टाचार मालूम है,